विद्यार्थियों, वैदिक गणित की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यावदूनम सूत्र का प्रयोग किस तरह से बड़ी संख्याओं के स्केल कैलकुलेशन में किया जाता है वो सीखेंगे। हम सीखेंगे कि जो यावदूनम सूत्र का अर्थ है, उस अर्थ के अनुरूप हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इसको सीखेंगे किस तरह से स्केयर्स हम बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यावदूनम सूत्र का अर्थ है कि जो भी पूरक हो या फिर जितने का विचलन मतलब जितने की कमी है या फिर जितना अधिक है, जितना कम है या फिर जितना अधिक है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जितना कम है या अधिक है, ठीक है। अब ये बात हो रही है पूरक के लिए। अब यहां पे हमने 91 के स्केयर से लेके और 110 तक के स्केयर्स लिखे हैं। अब आप देखेंगे किस तरह से बिना कैलकुलेशन के हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 91 का जो नियरेस्ट बेस है, निकटतम आधार है, जो नियरेस्ट बेस है, अब 10 से तो बहुत दूर है, 100 के नजदीक है ये। तो यहां पे जो बेस है, जो क्रियात्मक आधार है, वो कितना है? 100 है, ठीक। इनके लिए भी 101, 2, 3 इनके लिए भी जो बेस है वो कितना है? 100 है। तो हमारा जो इन क्वेश्चंस के लिए जो हमारा बेस है सभी के लिए वो क्या है? 100 है। अब इनको समझते हैं पहले। जैसे सपोज करो आपको 96 का स्केयर कैलकुलेट करना है। क्या कहते हैं कि जितने का विचलन है, आप देखो बेस से ये कितना कम है? 4 लेस है। बेस से ये कितना लेस है? 4 लेस है। तो 4 का स्केयर कर दो कितना आ जाएगा? 16। यहां पे 2 डिजिट लेने हैं क्योंकि बेस में हमारे पास 20 है, तो 2 डिजिट यहां पे हमने लेने हैं। ये बेस से 4 लेस था तो 4 का स्केयर कर दिया और 4 इसमें से लेस कर दो। अगर ये ज्यादा होता तो प्लस कर देते और ज्यादा कर देते, और अगर ये कम है तो और कम कर देंगे। अब ये 4 लेस है तो इसमें से 4 और लेस कर देंगे तो 92, यानी कि आंसर आ जाएगा 9216। तो ये हमारे पास 96 का स्केयर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल, आपको 99 का स्केयर करना है तो ये बेस से कितना लेस है? ये हमारे पास बेस से कितना लेस है? 1 लेस है, 1 कम है। एक कम है तो एक का जब स्केयर करेंगे, 1 का स्केयर करेंगे तो 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, तो यहां पे 0 लगा लेंगे। और एक कम था तो इसमें से एक और कम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9801। बिल्कुल इजी। अब इनको देखते हैं कितनी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास बेस से कितना कम है? 91 है, तो ये बेस से 9 कम है तो 9 का करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 81। और इसमें से 9 और लेस कर देंगे तो जब इसमें से हम 9 लेस करेंगे तो 91 में से 9 लेस करेंगे तो ये 82 आ जाएगा। हो गया बस। नेक्स्ट, ये बेस से 8 कम है क्योंकि हमारा बेस तो 100 ही है, बेस तो यहां पे सभी के लिए 100 ही है। अब यहां पे ये बेस से 8 लेस है तो 8 का स्केयर 64 हो गया, और इसमें से 8 और लेस कर दिए तो 8 जब हम इसमें से लेस करेंगे तो ये 84 हो जाएगा। नेक्स्ट 93, ये बेस से 7 लेस है तो 7 का स्केयर 49 हो जाएगा, और उसमें से 7 और लेस कर देते हैं तो ये 86 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बेस से 6 लेस है तो 6 का स्केयर 36, और इसमें से 6 और लेस कर दो तो ये 88 हो जाएगा। ये हमारे पास दो तरीके हैं, एक आधी गेंद भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी ये बेस से 5 लेस है तो 5 का तो 25 और 5 लेस करेंगे तो 90। दूसरा तरीका क्या था, जब स्केयर निकालते और यूनिट प्लेस 5 है तो 5 के साथ 25, और इसका एक आधिकेन 9 का एक आधिकेन 10 हो जाएगा, 9 की 10 के साथ मल्टीप्लाई 90, तो एक आधिकेन भी यूज कर सकते हैं। 96 का भी हमने किया है 9216। 97, ये कितना हमारे पास, ये कितना लेस है? 3 लेस है तो 3 का स्केयर 9 लेकिन 0 लगा लेंगे, और 3 इसमें से कम करेंगे तो ये 94 हो जाएगा। हमारे पास ये 2 लेस है,
टू का स्क्वायर फोर, लेकिन जीरो लगाएंगे क्योंकि टू डिजिट पूरे करने हैं, और टू इसमें से लेस करेंगे तो 96 हो जाएंगे। यहाँ पे वन लेस है तो वन का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो जीरो लगा लेंगे, और इसमें से वन लेस करेंगे तो 98 हो जाएगा। इसका तो हमें पता है कि 40 आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से ये हमने किसके लिए किए, कमी के लिए, जिनमें कमी थी विचलन में, यहाँ पे क्या थी, कमी थी। अब जितना ज्यादा है उसके लिए कर रहे हैं। अब देखो 100 से 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन 0 तो लगानी पड़ेगी क्योंकि 2 डिजिट पूरे करने हैं। तो और कितना ज्यादा था, 1 ज्यादा था तो 1 और ज्यादा कर, जब कम था तो कम कर दिया था, और कम कर दिया था, जब ज्यादा है तो और ज्यादा कर देंगे। तो 101 है, इसमें 1 और प्लस कर देंगे तो 102 हो जाएगा। अब ये 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 0 लगा देते हैं, और इसमें 2 और ज्यादा कर लेते हैं तो 104 हो जाएगा। ये 3 ज्यादा है तो 9 हो जाएगा, 0 लगा लेते हैं, और इसमें 9 प्लस करते हैं तो 106 हो जाएगा। ये 4 ज्यादा है तो 4 से 16, 2 डिजिट तो अलाउड है क्योंकि बेस हमारा 100 है 2 0 है। अब 4 इसमें और प्लस कर देंगे तो 4 प्लस करेंगे तो ये 108 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही एकाधिक एन पे अप्लाई कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, ये 5 ज्यादा है तो इसमें 5 और प्लस कर देंगे तो 110 हो जाएगा। 6 से 36, इसमें 6 प्लस कर देंगे तो 112 आ जाएगा। 7 से 49, इसमें 7 प्लस करेंगे तो 114 आ जाएगा। 8 से 64, इसमें 8 प्लस करेंगे तो 116 आ जाएगा। 9 से 81, इसमें 9 प्लस करेंगे तो 118 आ जाएगा। और यहाँ से 00, और यहाँ पे आप करेंगे 11 के साथ 121 होता है। या फिर ये भी अप्लाई कर लो, ये 10 ज्यादा है तो 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो 10 ज्यादा है, इस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। 10 ज्यादा है तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, 100 से तो 10 ही ज्यादा है, 10 ज्यादा है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और उसमें 10 प्लस करेंगे तो ये 110 था तो 120 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 डिजिट अलाउड है तो ये 1 आगे चला जाएगा, तो ये 121 और ये 00 यानी कि 12100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो फिर बच्चों ये हो गया हमारे पास यावगुणम सूत्र का, किस तरह से जो अर्थ है, अर्थ के अनुरूप इसका जो प्रयोग है वो किस तरह से किया जा सकता है। तो कोई भी बेस हो, बेस 10 हो, बेस 100 हो, बेस 1000 हो, किसी पे भी आप ये सूत्र अप्लाई कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।